मुख्यमंत्री बनने के बाद भजनलाल शर्मा मेवाड़ की धरा पर पहली बार आए हैं। उदयपुर में उनका यह कार्यक्रम विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आयोजित किए जा रहे शिविर जो क्रम है उनमें आज उदयपुर से करीबन 10 किलोमीटर दूर छोटे से गांव नाई में शिविर आयोजित किया हो रहा है। उस शिविर में आज अभी पहुंचे हैं और बड़ी संख्या में यहां पर लोग उपस्थित हैं। उन्होंने सभी ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया। अभी भजनलाल शर्मा जो है सीएम वो शिविर में जो योजनाओं का जो काउंटर लगे उन काउंटर को देख रहे हैं, उनसे लोगों से बात कर रहे हैं, लाभार्थियों से भी वार्तालाप कर रहे हैं। उसके साथ साथ अब ये संबोधन करेंगे। इसके पहले 1 बजे कार्यक्रम में आने का था लेकिन 3 बजे पहुँचे। यहाँ पर काफ़ी लोग हैं, इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि क्या समझते हैं, पहली बार आए हैं भजनलाल जी, क्या सोचते हैं उनके बारे में, कैसे लगता है। भाई साहब नमस्कार। भजनलाल जी को हम लोग बहुत अच्छी तरह से इस बात को बहुत खुश है। सच गलत मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे भारतीय जनता पार्टी में हर छोटे छोटे कार्यकर्ता, मैं किसान मोर्चा का अध्यक्ष हूँ सर सोनलाल सवाल का, मुझे भी ये उम्मीद है दोस्तों, मैं आप सबकी राय पे कह रहा हूँ, मुझे भी लग रहा है कि भाई साहब हो सकता है कभी मैं भी राज्यसभा का मेंबर बन सकता हूँ, इतना हमें विश्वास जाग गया। क्योंकि एक छोटे से कार्यकर्ता भजनलाल जी को जानता नहीं था, सब कह रहे थे बालक राज जी आ रहे हैं, वसुंधरा जी आ रहे हैं, लेकिन कहाँ से निकाल के लाए। और कार्यकर्ता बहुत अच्छा, और आज भी छोटे से मकान में रहते हैं सर, और भजनलाल जी से हमें बहुत उम्मीद है सर, और हमारे राजस्थान के लिए मेरा ये मानना है। पहले हम ये मानते थे कि जो पुराने जमे हुए, मैं आपके चलते मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, लेकिन पुराने जो जमे हुए उनको लग रहा था कि हमारे बाद हमें कांग्रेस जैसा इसमें थोड़ी बुआ आने लगी थी कि एक ही आदमी बार बार बनेगा साहब। लेकिन भजनलाल जी के रूप में मोदी जी ने एक बहुत ही बढ़िया काम किया कि अब जो नए 5 साल के बाद है, मेरे ख्याल से भजनलाल जी ऐसी स्थिति में आ जाएंगे कि हम लोग चाहेंगे सभी जनता की हमें भजनलाल जी दोबारा चाहिए, ऐसा काम की हमें उम्मीद है सर। अच्छा शिविर चल रहा है अभी, ऐसा शिविर सरकार बदलने से पहले यानी कांग्रेस सरकार में भी चला करते थे गारंटी शिविर, क्या अंतर कुछ दिख रहा है? क्योंकि योजनाओं का लाभ अभी केंद्र का मिल रहा, पहले स्टेट का मिल रहा था। वैसा देखो ये बात बिल्कुल सही बात है, लेकिन कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों में सर ये अंतर साफ नजर आ रहा है। हम लोग अब जनता सर बेवकूफ नहीं रही है, सब समझने लग गई। आप एक तरफ आप भली ठीक है आपने कैंप लगा दिए, वो हम आपको आपने मोबाइल बांट दिए वो हमें बता रहे, लेकिन दूसरी तरफ आप हमारी छोटी छोटी बच्चियाँ गाय चराने, भैंस गाय चराने जा रही है और आप उसको मर्डर करके ना आप झोंक रहे हो और वो आप आज़ाद घूम रहे हो। हमारे हिंदू जो सनातन धर्म के लोग हैं, हमारे कोई भी प्रोग्राम आते हैं तो आप हमारे बैंड लगा देते हो, दूसरे लोगों को आप आज़ाद छोड़ रहे हो, तो ये सब हम जनता और 18 पेपर लीक हुए सर, रात दिन हमारे गरीब बच्चे जो हमारे गाँव के बच्चे मेहनत करते हैं सर, और इस उम्मीद से कि हम शिक्षक बन जाएंगे, और एक ही 18 थानेदार, एक ही गाँव के 18 थानेदार, गोविंद सिंह डटोरा का पूरा परिवार आ रहा है अधिकारी, क्या कोई भगवान ऊपर से आए क्या? तो ये हम सब जान रहे हैं। बाबूलाल जी को, बाबूलाल जी जो आप इसमें बने और करोड़ों रुपए के घोटाले पाए भाई बन सब कर, तो वो सब जनता जान रही थी, सब बहुत खुश है आप सब बहुत खुश है सर। और आने वाले 5 सालों में मैं आपके चले माते हूँ कि जनता बहुत सुखी रहेगी और राम राज्य आने वाला सर। आप कुछ कहना चाहेंगे? भजनलाल जी हैं बोलो, और लोगों से बात करते हैं, यहाँ पर जानेंगे उनसे। भजनलाल जी आए हैं मेवाड़ की धरा पर पहली बार। हो गया सर, चलो और भी बात करते हैं। मैडम भजनलाल जी शर्मा पहली बार मेवाड़ की धरा पे आ रहे हैं, क्या सोचते हैं आप? हम उनका हार्दिक दिल से स्वागत करते हैं हमारी नगरी पे, और उनसे बहुत कुछ आस है हमारी, बहुत कुछ अच्छा है कि आगे आने वाले टाइम में उनका वर्क बहुत अच्छा रहे, कि नेक्स्ट 5 ईयर के लिए वापस उनको लोग सेलेक्ट करें, पब्लिक सेलेक्ट करें। क्या क्या सोचते हैं, क्या उम्मीद है 5 साल तक? ये कि ना युवाओं को रोजगार मिले और जो बेरोजगार है उन सबको रोजगार मिले, प्रति मतलब सभी के हिस्से का अपना अपना वर्क जो भी है उनको सबको वर्क मिले, प्लस किसानों के लिए, गरीब लोगों के लिए आयुष्मान कार्ड, इलाज से सब चीज़ों में हर व्यक्ति को अपना हक मिले। अच्छा पहले गारंटी योजना चलती थी पिछली सरकार में, इस बार अभी केंद्र की योजनाएं चल रही है संकल्प यात्रा के तहत, क्या अंतर दिखता है कुछ? जी सर, संकल्प यात्रा में ये दिख रहा है कि ना जगह जगह ना ये कैंप लगाए के लोगों को आकर्षित करके उनको सुविधा दे रहे हैं, जो लोग इनसे नहीं जुड़ पा रहे हैं तो उनको संपर्क किया जा रहा है, सभी विभागों को मतलब प्राथमिकता देके और सभी विभागों को ये ना कैंप में ना हर एक ही जगह इकट्ठा करके और गरीबों को सहायता दी जा रही है। और भी लोग हैं, यहाँ से बात करते हैं, आप पीछे देख सकते हैं बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं, दोनों तरफ नाई क्षेत्र है, ये नाई गांव है उदयपुर से करीबन 10 किलोमीटर यह है। भाई साहब यह वकील साहब आप जी, क्या लगता है सरकार बदली है, भजनलाल जी जो पहली बार आए हैं, अपने यहाँ से 3 मंत्री भी है मेवाड़ वागड़ से, तो क्या स्थिति लगती है? बुलडोजर ही चलेगा अब, क्या दाम दीम काम होंगे और बुलडोजर ही चलेंगे। अच्छा बुलडोजर चलेंगे, ऐसे आज उदयपुर में तो चल रहे हैं अतिक्रमण वाले, बस ऐसे चलने चाहिए,
अच्छा, क्या उम्मीद युवा के रूप में क्या सोचते हो? भजन लाल जी यहाँ उदयपुर में आए हैं मेवाड़ के, बताइए आप। बताइए, हमें तो अच्छा नॉलेज है इनके बारे में, तो बताइए ना, अच्छी उम्मीद है इनसे तो। क्या क्या है उम्मीद? तो अब जैसे सरकार चेंज हुई है तो उम्मीद तो यही है। मेवाड़ को लेकर बताओ, मेवाड़ में पहली बार आए हैं तो मेवाड़ में जैसे अभी मंत्री भी बनने हैं हमारे बाबूलाल जी खराड़ी, तो काफ़ी उम्मीदें रहेगी मेवाड़ में तो इनकी। आप बोलेंगे भैया कुछ? चलो भाई साहब से पूछते हैं। भैया भजनलाल जी पहली बार आए हैं, कैसा लग रहा है, क्या उम्मीद? बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे फर्स्ट बार ये मुख्यमंत्री बनते ही हमारे मेवाड़ धरा पे पधारे हैं, और हमसे हम यही उम्मीद रखते हैं कि हमारे मेवाड़ की शान को और आगे से आगे बढ़ा के जावे, और इन जो भी इन्होंने प्रधानमंत्री साहब ने जो भी योजना स्टार्ट की है वो हर एक बच्चे बीजेपी सरकार का। सीएम है जो पहली बार आया, कोई सीएम है जो पहली बार हमारे गांव में आया? अच्छा, पहले नाही में कोई नहीं आया, ऐसा कोई सीएम नहीं था। मैडम आई थी वसुंधरा, लेकिन उस समय वो सीएम नहीं थी, वो चुनाव के लिए आई थी वो, लेकिन ये तो जीतने के बाद पहली बार गाँव चुना है ग्रामीण एरिया, बहुत अच्छी बात है। पहली बार आए हैं, नाई गांव है, छोटा सा गांव है, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जिसमें ये शिविर का आयोजन किया जा रहा है। पहले बाई फ्लाइट से उदयपुर और उदयपुर एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर के माध्यम से आने का था, लेकिन तकनीकी कारणों से बाई रोड उदयपुर डबोक एयरपोर्ट से इस शिविर के स्थान पर पहुँचे हैं, और अब सभा में संबोधन कर रहे हैं। सीएम भजन लाल की सरकार में मेवाड़ की बात करें तो तीन मंत्री में मेवाड़ वागड़ यानी कि उदयपुर और बांसवाड़ा संभाग से तीन मंत्री दिए गए हैं। छोटी बड़ी सादड़ी विधानसभा से गौतम कुमार, प्रतापगढ़ विधानसभा से हेमंत मीणा, और उदयपुर जिले की झाड़ोल विधानसभा से बाबूलाल खराड़ी को कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया है। तीनों ही मिनिस्टर यहाँ पर उपस्थित है, संबोधन हो रहा है, और लोगों से जाना वो मेवाड़ में आने के बाद उनकी क्या उम्मीदें हैं और भजनलाल शर्मा की सरकार को किस तरह से देखते हैं। एबीपी न्यूज़ से विपिन सोलंकी, उदयपुर।